तो दोस्तों 2023 का एक बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं जिसको ऑर्गेनाइज किया है आदिवासी स्पोर्ट्स क्लब पुखरिया। और ये टूर्नामेंट खेला जाएगा दोस्तों दिसंबर तक के सुमंडी स्टेडियम पुखरिया में। और ये टूर्नामेंट खेला जाएगा दोस्तों 25 और 26 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए 25-26 फरवरी 2023 में खेला जाएगा, जिसका एंट्री फीस 30,000। एडवांस की तौर पर आपको 15,000 दिया जाएगा। और ये एडवांस लिया जाएगा 25 तारीख तक, यानी कि 25 जनवरी तक आप एडवांस दे सकते हैं। और प्ले टाइम आपको 70 मिनट रहेगा। प्लेयर साइड 9-9 है और पेनल्टी 5 मिलेगा, 16 टीम लिमिट है। और दोस्तों प्राइस की बात किया जाए तो फर्स्ट प्राइस 2 लाख, सेकंड प्राइस 1.5 लाख, थर्ड प्राइस 80,000, फोर्थ प्राइस 80,000। और पिछले साल की चैंपियन रहा था दोस्तों किंग फिशर एफसी पोर्ट का, सेकंड पोजीशन मिला था दिग्गी एफसी चकुड़िया को, थर्ड पोजीशन मिला था गाते वेस्ट बंगाल को, और फोर्थ प्राइज मिला था अजय स्पोर्टिंग घाटशिला को। और इस टूर्नामेंट को सपोर्टेड कर रहे हैं बरानी स्पोर्टिंग एफसी। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंडिविजुअल प्राइजेस है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट 10,000 मिलेगा, मैन ऑफ द मैच फाइनल में 5,000 मिलेगा, और बेस्ट डिसिप्लिन टीम को 5,000 मिलेगा, बेस्ट गोलकीपर को 5,000 मिलेगा, विनर टीम मैनेजर को 5,000 मिलेगा, और रनर टीम मैनेजर को 5,000 मिलेगा। फर्स्ट सेमीफाइनल रनर टीम मैनेजर को 5,000 और सेकेंड सेमीफाइनल रनर टीम को मैनेजर को 5,000 मिलेगा। यानी कि दोस्तों मैनेजर के लिए भी यहाँ प्राइस है। और आप लोग झारग्राम की तरफ से आते हैं तो 78 किलोमीटर पड़ेगा पुखरिया, बाईपोदा की ओर से आएंगे तो 76 किलोमीटर, और चाईबासा की ओर आएंगे तो 105 किलोमीटर, और टाटा की ओर आएंगे तो 70 किलोमीटर, बढ़ागोड़ा की ओर आएंगे तो 25 किलोमीटर, और घाटशिला की ओर से आएंगे तो 25 किलोमीटर, और चकुड़िया रेलवे स्टेशन से आएंगे तो 20 किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आदिवासी स्पोर्ट्स क्लब पुखरिया। तो ये 2023 का हैंडबिल निकल के आया है जो एक बड़ा टूर्नामेंट की ओर संकेत दे रहा है। तो दोस्तों अपना टीम को रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए और इस बड़े टूर्नामेंट में शामिल हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों। और जो कोई भी मेरे चैनल के लिए नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको फास्ट मिले। धन्यवाद दोस्तों।